अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का मौजू बड़ा ही संजीदा, जिसे सुनकर आप भी दंग हो जाएंगे। किस तरह की नफरत बढ़ती जा रही है, महज कुछ किस्से वाकये देखने के बाद होश उड़ जाते हैं। पहले उन वारदातों का जिक्र करते हैं, फिर मुस्लिम समाज पर भी बात करते हैं, और सबसे पहले कुछ हिंदू भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज भी मुल्क के अमन को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन ये कोशिश सराहनीय तो है, पर काफी नहीं है। मुल्क को अगर बचाना है तो अक्सरियत हिंदू भाइयों को भी आगे आना होगा। खैर, जिस बात का तस्करा मुल्क की सतह पर हो रहा है वो है एक ट्रेन में बुजुर्ग पर कुछ फिरका परस्तों की जानिब से हमले की। हाजी अशरफ मुनियार, जो नासिक महाराष्ट्र के हैं, इगतपुरी के पास कुछ नफरती गिरोह के अफरादों ने इन पर हमला किया और इन पर बीफ के गोश्त का इल्जाम लगाया। बुजुर्ग पर हमले को लेकर काफी चर्चा तो हो रही है, पर क्या मुल्क में नफरती गिरोहों की चर्चा ही सिर्फ होती रहेगी? आखिर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? लिहाजा राष्ट्रवादी कांग्रेस के काई जितेंद्र आव्वाड ने मुस्लिम बुजुर्ग पर फिरका परस्तों के हमले की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की है। सिर्फ मजम्मत ही नहीं की, बल्कि उस खानदान, उस बुजुर्ग की हिमायत में भी खड़े रहे और पुलिस थाने तक पहुंचे। आप इन वीडियोज को देखिए, किस तरह बुजुर्ग अशरफ मुनियार के घर वालों से फोन पर भी बात कर रहे हैं, मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा भी कर रहे हैं और पुलिस के साथ बहस भी कर रहे हैं। खैर, अब तीन अपराधों को हिरासत में लिया गया। आप इन तीनों को भी हिरासत में लेने के वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीन अपराधों में एक एसआरपीएफ यानी स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स में खिदमात अंजाम देने वाले का ही बेटा है, जिसका नाम अशोक वाड़ है, और ये तीनों महाराष्ट्र पुलिस के इम्तिहानात देने के लिए बंबई गए थे। मतलब आगे जब ये पुलिस बनेंगे तो किस तरह की सोचो विचार नजरिया के साथ बनेंगे, इसे समझने की जरूरत है। किस नफरती ज़हनियत से मुतासिर नौजवान तबका और खासकर पढ़ा लिखा तबका इसकी जिंदा मिसाल कह सकते हैं। वही दूसरी ओर मुसलमान नौजवानों की सुबह शाम कहां गुजर रही है, इनकी सोचो फिक्र क्या है, यह एक अलग बात है। आप मुआजरा करके देखिए। खैर, इस पर आगे बात करते हैं। एक वीडियो ये भी देखिए, यूपी देवरिया का है। वीडियो छिप कर निकाला गया है, वर्दी में किस तरह के लोग दाखिल हो रहे हैं, दाखिल हो चुके हैं। इस पुलिस वाले के अल्फाज देखिए, तुम्हारे बाप के गुलाम है क्या, तुम्हारा दिया खाते हैं क्या, बेशर्म बेहया, तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चला देंगे। पहले इस वीडियो को देखिए, फिर एक और वीडियो दिखाते हैं, फिर उस पर भी बात करते हैं। हमारे बाप के गुलाम होंगे, हमारे बाप के हम गुलाम हैं, तीन बार आए तुम्हारे बाप का दिया हुआ खाते हैं क्या? क्यों, जब तुझे मालूम है कि तेरा आदमी मुजरिम है तो क्यों नहीं हाजिर हो रहा? क्यों, कितनी बार पुलिस आए? बेशर्म हो, बेहया हो क्या? अरे पुलिस कितनी बार आए तुम्हारे यहाँ, बोलो कितनी बार आती हुआ पुलिस आए? ये कौन है? खोज लेंगे, घर को गिरा देंगे, बुलडोजर चला के हम खोज लेंगे, समझ गए ना? तुमको यहाँ आराम से रोटी नहीं हम खाने देंगे। अब इस दूसरे वीडियो को भी देखिए। इस शख्स का नाम पुष्पेंद्र चौधरी है, मथुरा की शाही मस्जिद को आग लगाने के लिए पेट्रोल और माचिस के साथ पहुंच गया। मस्जिद में तेल छिड़क कर खुद कार में अपने आप को लॉक कर लिया। पुलिस ने कार के शीशे तोड़कर हिरासत में लिया, लेकिन कैसे अपने बयान पर कायम है, देखिए ये भी वीडियो देखिए। क्यों बैठा है ना, उन्होंने चलना, सारे परेशान है लोग यार। तेरे पेट्रोल क्यों छिड़का भाई? उन्होंने चलान किया है, मैं खड़ा हूँ अपनी काना के घर पे, मैं तोड़ने आया हूँ इस मस्जिद को, मैं तो पूरी गाड़ी को ले जाकर उड़ाऊंगा उसमें। मस्जिद तोड़े, अभी नहीं तो आज नहीं शाम तक टूटेगी, कल टूटेगी, परसों टूटेगी, कभी तो मेरे देश का जवान जागेगा। अब बात मुसलमानों की करते हैं। मुस्लिम नौजवानों की कैफियत और नजरिया, इनकी सोच तकरीबन सभी शहरों में एक जैसी ही मिलेगी। अगर मुल्क की सतह पर आप अगर जायजा लेंगे, इनके पास किसी तरह का कोई मंसूबा नहीं है। यकीनन कई ऐसे सेक्युलर और मुल्क की एकता अखंडता को बचाने के लिए जितेंद्र आव्वाड जैसे लोग शिद्दत पसंद फिरका परस्तों का मुकाबला कर रहे हैं,
पर जिस समाज को लेकर समाज माशरे में नफरत जहर परोसी जा रही है और इसी नफरत को लेकर बाजारों में, दुकानों में, फैक्ट्रियों में, बसों, ट्रेनों में मुसलमानों के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है सभी देख रहे हैं, पर मुस्लिम समाज को किसी तरह का कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। जुलूस रैली से निकलकर ये लोग बाहर आने को तैयार ही नहीं है, यानी कि एक महदूद सोच लिए आज भी बैठे हुए। फिर काफरस्तों की साजिशों का मुकाबला इस दौर का मुसलमान नहीं कर सकता, ये भी उतनी सच्चाई है। अब तो हर शोबे में आरएसएस संघी विचारधारा के लोग दाखिल हो चुके हैं। यकीनन जुनूबी हिंद यानी कि अगर साउथ की बात की जाए तो मजहबी तासुब उत्तर के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन हालात को तशद्दुद में कब तब्दील किया जा सकता कह भी नहीं सकते। ना तो मुसलमान खुद मुनज़्ज़म है और ना ही दीगर मजाहिब के सेक्युलर लीडरों और अवाम के साथ हमने रब्ता कायम किया हुआ है। मस्जिदों की जमातों के साथ दीगर दीनी सियासी रहनुमाओं की कैफियत हम सब देख रहे हैं। हालात कब तब्दील होंगे कह भी नहीं सकते। क्या हम मस्जिदों में भी इसका जिक्र नहीं कर सकते? क्या इसी बातों को लेकर मस्जिदों से एक बेदारी मुहिम नहीं चलाई जा सकती? खैर, सिर्फ रामगिरी महाराज ही नहीं है, ऐसे कई हरामखोर पैदा हुए हैं जो मुसलमानों को आए दिन गाली गलौज की जुबान में भला बुरा कहते रहते हैं। नितेश राणे पर भी मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। सांगली इस्लामपुर में खुलेआम मुसलमानों के घरों में घुसकर मारने की धमकी नितेश राणे ने दी है और ये इसका पहला बयान नहीं है। इस तरह के बयानों की तवील फहरिस्त है, पर मुसलमानों में किसी तरह की बेदारी नजर अब तक तो नहीं आ रही। अब तो हर दूसरा तीसरा भाजपा, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल का लीडर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करके माहौल को तशद्दुद में तब्दील करते हुए अपना सियासी रसूख बढ़ाता रहता है। आज ही बेलगाम में रामसेना के प्रमोद मुतालिक ने आकर मुसलमान अगर रामगिरी महाराज के खिलाफ बयानबाजी करेंगे तो रामसेना भी सड़कों पर उतरने की धमकी देता है। रामगिरी महाराज के बयान के मुतालिक हिमायत भी करता है, जबकि रामगिरी हो या नितेश राणे या कोई और दिगर किसी भी दूसरे मजहब को लेकर इस तरह नफरती बयानबाजी करने की किसी को भी इजाजत नहीं है ना इस मुल्क का संविधान देता है। जिस बुजुर्ग को ट्रेन में मारा गया उन तीन अफरादों को महज 15,000 रुपए के बॉन्ड पर रिहा किया गया, जबकि मुस्लिम नौजवानों पर रवड़ी शीट के साथ दिगर मामले में मुलव्वस किया जाता है, ना तो इन्हें पासपोर्ट दिया जाता है और ना ही इन्हें दूसरी जगह पर नौकरी के लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया जाता है। किस तरह से एक दोगला रवैया भी यहाँ पर देखने को मिलती है। मुस्लिम नौजवानों की जिंदगी हराम कर दी जाती है। इंतजामिया सरकारी दफ्तर अफसरान में फिरका परस्ती की बढ़ती सोच मुल्क की एकता अखंडता के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कुछ सेक्युलर लीडर लड़ रहे हैं। अगर न्यूज वालों की बात की जाए तो रविश कुमार, प्रज्ञा मिश्रा, साक्षी जोशी, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा और भी कई हैं जो मुसलमानों के हक में बेखौफ होकर बोलते हैं, पर हमारे अपने मस्जिदों में तक बोलने के लिए तैयार नहीं। इसे क्या कहा जाए? दो नस्लें वैसे भी गुलामी में जिंदगी गुजार चुकी हैं, आने वाली नस्ल भी दांव पर लगी हुई है, लेकिन मुस्लिम समाज जिस कदर इत्मीनान की नींद में है शायद किसी को भी इतना इत्मीनान में नहीं देखा जा सकता। रोजाना नई साजिश, नया इल्जाम लगाया जा रहा, लेकिन महदूद दायरों के आगे बढ़ने को हम तैयार ही नहीं है। इसकी रोजाना की जिंदगी इत्मीनान से गुजर रही है। जो भी गैर मुस्लिम आवाज उठा रहे हैं उनकी सराहना होनी चाहिए, पर इतने सारे मुस्लिम रहनुमा फिर दीनी हो या सियासी हो खामोशी इख्तियार किए हुए। जरूरत है नफरत को परोसने की कोशिश जो की जा रही है, जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है बल्कि मुल्क को बचाना, इस मुल्क के संविधान को बचाना मुसलमानों के साथ अक्सरियत हिंदुओं की भी जिम्मेदारी है। इन नफरती गिरोहों का, नफरती लीडरों का इंतजाम पहले हिंदुओं की जानिब से किया जाना चाहिए। मुसलमान तो मजलूम है, डरा सहमा समाज है, अक्सरियत हिंदू भाइयों की जिम्मेदारी है कि प्रमोद मुतालिक, नितेश राणे, यति नरसिम्हानंद, रामगिरी महाराज इनकी जुबानों को रोकने का इंतजाम ये खुद करेंगे तो मुल्क में अमन जरूर कायम हो सकता है। साथ में मुसलमानों को भी चाहिए कि सेक्युलर हिंदू भाइयों से, दलित, जैन, सिख ईसाइयों से रब्ता कायम करें, तभी जाकर मुल्क के संविधान की हिफाजत हो सकती है, ऐसा कह सकते हैं। इतना जरूर आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।